ଖାଲିଟାରେ ବୁଲୁଛୁ ଆ ତତେ କରିବି ନା କ'ଣ ଯେ ଖାଲିଟାରେ ବୁଲୁଛୁ ଭାଉଜ पहली देना रे पड़ी जीवी हम लोग जा रहे हैं घूमने घूमने घूमी 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 और तू तू को वीडियो रे सुबह अब कौन है बेको बेको को नल हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ सत श्री अकाल नमस्ते कैसे सब आए हो आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे जबरदस्त तो फ्रेंड्स हम आए कहाँ देखिए आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने मज़ेदार होने वाला है तो पूरा देखिए अच्छा लगा जो मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो में नए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाल बटन स्क्रॉल दबा देना उससे क्या होगा ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना जो भी वीडियो डालेंगे आप लोगों के साथ पहुँच जाएगा तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये गाँव का नज़ारा है सब धान वान कट चुके हैं और पूरा बेराना हो गया है ये खेती बाड़ी पूरा थोड़ा थोड़ा इसका भूसा क्या बोलते पता नहीं स्ट्रॉ पेडी स्ट्रॉ वो सब है और यहाँ ऐसे ही गांव में जाते हैं नेचुरली ना रोड है लेकिन आगे जाएंगे रोड भी आप लोगों को दिखाएंगे ठीक है। यहाँ है गांव का एक स्कूल है देखिए आगे और यहाँ भी गांव गांव है लेकिन सब जंगल के पास है हमारा घर भी तो जंगल के पास ही है तो चलते हैं देखिए सब कट चुका है धान और आगे हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूम रहे हैं क्योंकि कल अपने घर चले जाएंगे और ये तो मम्मी का घर है सीटा देखे देखे चर्च देखे सीटा है तू तो कभी देखी नू देखे और है यहाँ चलते हैं आप लोगों को आगे जाके मैं रोड दिखाती हूँ ठीक है तो वीडियो में पूरा बने रहे अच्छा लगेगा गाँव का चीज़ें जिसको पसंद है वो लोग को तो इंटरेस्ट रहेगा जिसको नहीं तो वो नहीं देखेगा लेकिन जिसको इंटरेस्ट रहता है तो उसको अच्छा लगेगा। ये कुआं है गांव का कुआं होता है वैसे कुछ रहता है पर्सनली किसी का नहीं होता ऐसे गांव का होता है ठीक है। वो ये जा रहा है मेरा बेटा देखिए ये है गाँव का स्कूल है छोटा सा 6th या 7th तक है तो यहाँ है और मैं आप लोगों को वहाँ गांव के बच्चे भी खेल रहे हैं तो चलिए फिर आगे रोड आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रोड है देखिए मतलब कि ऐसा कुछ ये नहीं है थोड़ा या कुछ ये वाला था मिट्टी वाला रोड था तो ये वाला ये रोड है चल चलिए फिर आगे आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें भी दिखाने वाली हूँ यहाँ तो थोड़ा थोड़ा है मतलब कि यहाँ भी सब तरफ अपना अपना मतलब कि धान कट चुका है मतलब कि फसल लग चुका है तो उसको हो चुका है और आप लोगों को थोड़ा दूर से दिखाने हुए गांव का चर्च है कल बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा था लेकिन आजकल ना क्या होता है ना गाँव में थोड़ा सब लोग तो शहर में रहने लगे हैं इतना नहीं आते लेकिन ना पहले जो बोलते थे हम बच्चे थे तो पापा मम्मी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा दिन में भी हो रहा था आज मतलब आज न्यू ईयर है तो आज भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ मतलब हुआ होगा या होता होगा ऐसे कुछ बोल रहे थे लेकिन आजकल ना कोई नहीं है तो सेलिब्रेशन भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो यह चर्च है तो यहाँ ना मेडिकल भी है तो अच्छा फैसिलिटी मतलब कि लोग जो होते हैं कोई रोड पे जैसे चैरिटी है ये तो यहाँ भी आके रहते हैं कल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब सब चीज़ें ना क्या बोलूँ मैं आप लोगों को आगे आगे जाके बहुत चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत अच्छा चीज़ें तो देखिए ये लोग जा रहे हैं जैसे आप लोगों को पीछे दिखा रही हूँ अच्छा लग रहा है देखिए ये कितना अच्छे तरह से ये सब गाँव में ही देखने को मिलेगा देखिए इतना अच्छी तरह से उड़ रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है शहर में थोड़ा दिखता है लेकिन बहुत ही कम। तो देखिए ये है चर्च का साइड का है पीछे वाला इतना सारा आम का पेड़ लगाए हैं ये हालेलुया हालेलुया बोल रहा है तो
बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ना सो स्टोन में ही मतलब कि ये दीवार बनाए हैं, मतलब छोटा छोटा वाला दीवार बनाए हैं, इतना बड़ा बड़ा वाला नहीं, सिर्फ यहाँ पीछे पीछे आम का पेड़ ही लगा हुआ है। और ये खाद खद के लिए ये गोबर यहाँ डाला हुआ है, क्योंकि से ये बनेगा कौन को रे। और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सरो पेड़ है। और यहाँ पापा क्या करे, बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। हाँ बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं ना पापा, क्या कर रहे हो? गाड़ी लेके घूम रहे हो गाड़ी मेरा बचपन का ये दोस्त। लड़का ए अभी निकल मुझे मुझे दे रहा आखिर था मर मुंडरे लाग छे ओदे पछो बटे ए मेरे सर पे मत डाल, मैं मारूंगी। निकल निकल हो गया उन लोगों का। तो ये सब बचपन की चीजें मिलके जो होता है ना, हेयर पे लगा देने वो वाला चीज कर रहे हैं सब। पापा तो अपने ही मजा ले रहे हैं। का चाचा का गाड़ी लेके घूम रहे हैं पापा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये चर्च का पीछे के साइड का है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए फिर आगे भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।